सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अरविंद सर को, हमारे मार्केटिंग हेड। सर गुड इवनिंग, वेलकम। वॉइस इज क्लियर? यस सर, वेरी क्रिस्प। सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस जूम मीटिंग में, 28 घंटे के जूम मीटिंग में। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जरा कम नजर आ रहे हैं, बहुत से नए लोग भी आज जुड़ने वाले थे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें वेट करना चाहिए कि आज अभी। नो वरी सर, हम 2-3 मिनट्स तक वेट कर लेते हैं। बाय द टाइम आप एक्सचेंज का वीडियो प्ले कर दो, आप एक्सचेंज का वीडियो प्ले कर दो। ओके सर, सेंटर में चार्ट दिया गया है जिसमें वेरियस टाइम फ्रेम्स पे चार्ट को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे पेयर्स दिए हुए हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, होल्डिंग में ले सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। यहाँ पे लिमिट और मार्केट ऑर्डर को सेपरेट दिया गया है, उसी के साथ साथ बाय और सेल ऑर्डर्स के लिए भी सेपरेट सेक्शन बनाए गए हैं ताकि आसानी हो और हर एज का पर्सन यूज कर सके। इस तरीके से इंटरफेस को डिजाइन किया गया, वरना बाकी जगह हम देखते हैं तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि लिमिट ऑर्डर लेना है कि मार्केट ऑर्डर लेना है।
बाय करना है या सेल करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कभी कभी जल्दीबाजी में पंचिंग गलत हो जाती है ऑर्डर की, उस चीज को एकदम से यहाँ पे अवॉइड कर दिया गया कि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो सके। राइट साइड पे जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में, किस किस स्पॉट प्राइस पे कितने पोजिशंस खड़े हैं वो हमने शो किया है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है लोगों को देखने में कि हिस्ट्री क्या रही है ट्रांजैक्शन की, उसको फाइंड करने में बड़ी दिक्कत होती है। उस चीज को हम लोगों ने बहुत आसान बनाया, जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर अकाउंट्स ट्रांजैक्शन सारी हिस्ट्री शो हो जाती है। उसी तरीके से नीचे अगर हमारे यहाँ पे देखिए, बाय ऑर्डर्स लिखा है, सेल ऑर्डर्स लिखा है, ऑर्डर हिस्ट्री लिखा हुआ है। बाय सेल दोनों का लिमिट ऑर्डर हो तो पेंडिंग सेक्शन, और कंप्लीट हो गया ऑर्डर तो कंप्लीट सेक्शन, साथ ही साथ अलग अलग से मेंशन किया गया ताकि आसानी हो देखने में, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत आसानी से हो सके। और जो हम ऑर्डर पंच कर रहे हैं उसको हम देख करके निश्चिंत रहे कि हाँ हमने सही टाइम पे सही ऑर्डर पंच किया है। आई साइट के कंफर्ट लेवल के लिए डे और नाइट थीम दोनों दिया गया है। जैसे कि इस समय हम देख रहे हैं वो डे थीम है, व्हाइट थीम है। जिन लोगों को व्हाइट कलर आंखों चुभता हो, यहाँ पे जिस कंडीशन में वो हो वहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है, तो नाइट मोड पे स्विच करके डार्क इंटरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन सेक्शन है, मेन वॉलेट, स्पॉट, डिपॉजिट, कॉइन, विड्रॉवल। जिस तरीके से मेन वॉलेट में हम जो रखे हैं, स्पॉट में जो हमारी होल्डिंग है, डिपॉजिट जो हमने कॉइन किया अलग किसी इंटरफेस से लेकर के, वो यहाँ पे हम शो करेंगे। सपोर्ट सेक्शन है, डेडिकेटेड सपोर्ट सेक्शन और केवाईसी सेक्शन सेपरेट हमने बनाया है ताकि जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दिया जाए। इस तरीके से एक्सचेंज हमने डिजाइन किया है ताकि सबको आसानी हो। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट वंस अगेन आवर मार्केटिंग हेड मिस्टर अरविंद मौर्य सर। सर वेलकम। थैंक यू अब्रियल, थैंक यू। वॉइस इज क्लियर? यस सर, योर वॉइस इज वेरी क्रिस्प क्लियर। ओके, थैंक यू। आज के जूम मीटिंग में बहुत से नए लोग भी ज्वाइन किए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए लोग नए तरीके से कंपनी के साथ, कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। सभी लोग कंपनी के साथ मजबूती से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा करने में हमारी सहायता करेंगे। जो भी लोग नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया ध्यान से हमारी बातों को सुने, और अगर मीटिंग के एंड में आप लोगों के पास, किसी के पास कुछ क्वेश्चन होगा तो बोलने का, बात करने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी बातें पूछ सकते हैं, हम सिस्टमेटिकली जवाब देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पूछना हो आप हमारे सिस्टम से, हमसे हमारे बारे में पूछेंगे। किसी दूसरी कंपनी का नाम लेके अगर आप बात करेंगे तो आपको तुरंत म्यूट कर दिया जाएगा। किसी दूसरे से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। हम क्या है, हम कम क्या, हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। हंड्रेड जी सर, इस चीज़ पर परसेंट बहुत ही सिर्फ उसके प्रॉपर बारे में। तरीके से ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बात होगी तो हम रिलेटेड भी होगी और कंसर्न भी होगी सिर्फ और सिर्फ अर्था फिनटेक से। उसके बाहर की कोई भी बात, कोई वार्तालाप यहाँ पे नहीं की जाएगी। इस पर बहुत विशेष तरीके से ध्यान दिया जाएगा। पर्सनली अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पर्सनली मेरे से उसके बारे में बात कर सकता हूँ। हालांकि उसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरों के बारे में बात करने की, लेकिन बट एनीवे हम यहाँ, हमने एक प्रोविजन रखा हुआ टीचिंग का, क्रिप्टो टीचिंग का, कंपनी स्ट्रक्चर टीचिंग का। वो हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। उस इंफॉर्मेशन को जो लोग फॉलो करेंगे वो लोग डेफिनेटली आगे ऐसी धोखाधड़ी से वो लोग जरूर बच जाएंगे। अवरल, हाउ दिस स्टीव हाँ इज म्यूटेड, अनम्यूटेड, अनम्यूटेड शिव? या प्लीज चेक वंस, कौन कौन से लोग अनम्यूट हो गए हैं। देखो यस सर, वीडियो डन बंद करो सभी का, डन सर, डन सभी का सर। वीडियो बंद करो। ओके, थैंक यू। और हम, हमारे पास जो कुछ भी है, हम लोगों ने यहाँ पर जो हम स्टेप उठा रहे हैं, हम एक ऑनेस्ट सिस्टम के साथ, ऑनेस्ट कंपनी के साथ, ऑनेस्ट रिलेशनशिप के लिए हम काम करने आए हैं। सिर्फ पैसा कमाना होता तो सिर्फ हम, हमारे पास जो फंड है वो फंड से हमारे खुद के अपने लिए दाल रोटी हम आराम से कमा रहे हैं। लेकिन सबको साथ लेकर चलने का वादा किया गया है, वो साथ लेकर चलेंगे बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चोरी बेईमानी के। हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। अब आपके पास को बताना चाहते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अर्थ फिनटेक इज द नेम ऑफ द कंपनी, और ये हमारा ब्रांड नेम है, ये हमारी कंपनी का लोगो है।
इस लोगों के बाद लेट अस कम टू द पीपीटी पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है, जिसको पीपीटी जो डिमांड करते हैं, जो लोग अपने आप जो को लीडर समझते हैं, लीडर बोलते हैं, बोलते हैं हमारे को पीपीटी भेज दो। पीपीटी में एक्चुअली प्लान के बारे में होता है। तो हमारे इसमें कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, व्हाट इज अर्थ ऑफ इंटेक, क्या मिशन क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास भी दिया गया। ये एक छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। अबाउट अर्था, व्हाट इज अर्था, अर्था फिनटेक एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो लोग हैं उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग करने का, मोर देन 15 ईयर्स की ट्रेडिंग का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, और हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे बनाते हैं, उन्हीं पैसों में से आपको हिस्सेदारी देते हैं। हमारा अपना पैसा ठीक ठाक लगा हुआ है, लोग जुड़ते हैं तो उनका पैसा हमारे लिए एडिशनल सपोर्ट हो जाता है, उस सपोर्ट की वजह से हमारी इनकम बढ़ जाती है। अब आज के डेट में जैसे जैसे फंड बढ़ रहा, हमारे पास बेस बड़ा हो जा रहा है, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जा रहे हैं, तो हम और बेहतर सौदे लगा रहे हैं और बेटर रिस्क उठा पा रहे हैं, और प्रैक्टिकली 25 to 27% पर मंथ वी आर अर्निंग फ्रॉम ओनली वन सोर्स, बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग। वहां से 25-27% हम इनकम कर रहे हैं एंड वी आर हैप्पी। इससे बेसी हमें चाहिए नहीं। हमारी दिनदारी 15% की होती है और हमको हमारी कमाई 25-27% की होती है, तो हम पूरी तरह बैलेंस वे में चल रहे हैं और ये बैलेंस हम हमेशा बरकरार रखेंगे। ये एक एक्शन, अभी एक हमारे पास सेक्शन है अर्निंग का, बाकी सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास अर्निंग है क्रिप्टो की अर्निंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की अर्निंग है। हमारे पास दूसरी यूनिट्स में है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो दूसरी यूनिट्स में थोड़ी कम इनकम है, थोड़ी स्लो है लॉन्ग टर्म में, लेकिन सॉलिड है। व्हाट इज आवर मिशन, आवर मिशन इज टू टीच पीपल क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो बिजनेस। हम आप सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो बिजनेस के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, बताने वाले हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो शिक्षा लेंगे, उनको शिक्षा मिलेगी। जो लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे मेंबर हैं, उन सभी लोगों को ये ऑनलाइन शिक्षा मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो ऑफलाइन क्लासेस जो चलेंगे, वो क्लासेस में जो कोई भी साइन, जो कोई भी एडमिशन लेगा वो आके क्लास करेगा, वो पेड सर्विस होगी, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमें हमें भी हमारे ऊपर भी खर्चा है। आपको लॉजिंग फूडिंग एंड एवरीथिंग विल बी कम्पेयर्ड देयर। वो हम एक ढंग का कोर्स डिसाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेडर बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे क्या हो कि होल अबाउट द होल थिंग ऑफ द क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पेज प्लीज। मुझे उम्मीद है कि इस मिशन में आप सब लोग साथ देंगे और आप लोग सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो खुद भी बचेंगे चोरी बेईमानी से, धोखाधड़ी से, और दूसरों को बचाएंगे, अपने करीबी लोगों को भी आप बचाएंगे। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, अर्थ फिनटेक इकोसिस्टम पेज, जिसमें अभी जो कुछ हमारे पास है, जो जो बिजनेस अवेलेबल है वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज पार्टनरशिप अवार्ड। आप जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आप पार्टनर बनते हैं, आप सिस्टम में आते हैं, तो आप एक पैकेज के साथ आते हैं। वो पैकेज आपके मेंबरशिप पैकेज है, वो पैकेज हमारे लिए इन्वेस्टमेंट पैकेज है, वो पैकेज हमारा चला जाता है पूल में, और पूल में वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से हम पैसे अर्न करते हैं, और आपको $50 के आपके 50 USDT के इन्वेस्टमेंट में 0.3% डेली, और उसके बाद जो भी पैकेज है उसमें 0.5% डेली 20 मंथ्स, 20 महीने तक, 600 दिन तक लगातार देने का हम वादा करते हैं। हमने प्लान बनाया हुआ है 600 दिनों का, 0.5% डेली फॉर 600 डेज और 20 मंथ्स। आपका इस कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका जो पैसा है वो 3 गुना हो जाएगा। आप हमको 1 लाख रुपए देंगे, 3 लाख बन जाएगा, 1,000 रुपए देंगे, 3,000 रुपए बन जाएगा, 100 USDT देंगे, 300 USDT बन जाएगा, इन द सेम प्रोपोर्शन। और बाकी जो कुछ भी है एनी हाउ आपको हम वो देंगे, वो आप काम करेंगे, ये ड्यूरेशन कम हो जाएगा, 20 महीने की जगह 10 महीने हो जाएगा, 6 महीने, 8 महीने हो जाएगा, 2 महीना, 1 महीना भी होगा, सेम डे भी आपका पैसा 3 टाइम्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग, योर वर्किंग और योर टीम वर्क। सिस्टम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको वो दिखाई पड़ने लगेगा कि एक दिन में कैसे होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव सेड क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी हम खुद कर रहे हैं, हमारा एक्सचेंज लाइव होने के बाद आपसे क्रिप्टो ट्रेडिंग करवाएंगे, आप लोगों को मौका देंगे, उसकी शिक्षा देंगे, आप लोगों को टिप्स देंगे कि एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, जो लोग फॉलो करेंगे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसा कमाएंगे। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा पैसा लगाएं, बहुत बड़े पैसे से आपके पास जितना जितना पैसा आपके पास इजिली अवेलेबल होगा उससे आप लगा करके आप पैसे कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लॉकचेन गेमिंग। पूरी दुनिया आज की तारीख में गेम के दीवानी है, बहुत से लोग बड़े शिद्दत से गेम खेलते हैं,
प्ले टू अर्न गेम्स होते हैं मोस्टली, आप चार्जेस पे करके गेम को में इन करते हैं, कंपटीशन में जो एक टीम जीतती है या इंडिविजुअल फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को पैसे मिलते हैं, बाकी के पैसे कंपनी के पास रह जाते हैं, और कंपनी को पैसा चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए, पैसा आएगा हमारे सिस्टम में, हमारा सिस्टम मजबूत होगा, आपकी पोजिशन बेटर होगी, आपको जो मिलने वाला पैसा है उसकी मजबूती और बढ़ जाएगी, उसकी एश्योरेंस और बढ़ जाएगी। इसलिए ब्लॉकचेन गेमिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से हम छोटी छोटी अर्निंग हम आपके अपने लिए, अपने सिस्टम के इकोसिस्टम के लिए जनरेट करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो इकोसिस्टम बना रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी का होना जरूरी है। अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे क्रिप्टो करेंसी का एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम का। नेम ऑफ आवर क्रिप्टो करेंसी इज अर्था फिनटेक टोकन AFT, शॉर्ट फॉर्म AFT। AFT का लुक अभी आपके सामने आ जाएगा। AFT करेंसी का लुक लोगो हमने फाइनलाइज कर दिया है। ये लोगो आपके सामने, प्लीज डिस्प्ले द लोगो प्लीज। या दिस इज द लोगो, ये लोगो है। अब रेड टेक केयर ऑफ वीडियो कैमरा, दिस कैमरा ऑप्शंस। ये है हमारा अर्था फिनटेक टोकन। ये टोकन आपके पास बहुत जल्द अवेलेबल होगा एक हफ्ते में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। फर्स्ट पैकेज जो होगा प्री सेल वो $1,000 का होगा, $1,000 USDT से परचेज होगी। आपको, आप किसी को लिंक शेयर करके परचेज करवाएंगे, वहां आपको कुछ कमीशन भी मिलेगा, कमीशन के फॉर्म में भी ये टोकन ही मिलेगा। फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा $500 से, थर्ड राउंड स्टार्ट होगा $200 से, लेकिन हर राउंड में कॉस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद राउंड स्टार्ट होगा फ्री गिवे का, मतलब एयर ड्रॉप्स का, एक्सचेंजेस पर हम एयर ड्रॉप्स देंगे। अविरल, सम ऑफ द कैमराज आर ऑन, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, वीडियो कैमराज। यस सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग अपने कैमराज ऑफ कर लें, थैंक यू। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही। तो उसके बाद वर्ल्ड राउंड में वर्ल्ड वे वर्ल्ड हम गिवे देंगे फ्री में टोकन्स को, एयर ड्रॉप देंगे। एयर ड्रॉप के बाद कम से कम दो top 10 के दो एक्सचेंजेस प्लस हमारे अपने एक्सचेंज पे एक साथ लिस्टिंग होगी। एक्सचेंज हमारा पहले आ जाएगा, क्वाइन हमारा जनवरी, मिड जनवरी या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में आएगा, डेफिनेटली मिड जनवरी के बाद आएगा, 15 जनवरी के बाद ही मार्केट में लिस्ट होगा, एक कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके, टाइम देख करके, शुभ समय देख करके। तो बाय द टाइम इसकी कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट में जो परचेज किए लोग परचेज किए रहेंगे, मोर देन 3 times, 4 times, 5 times हो सकता है कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से। उस वक्त कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है टोकन। बाय द टाइम हमारी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा होगा, हो जाएगा, पूरा विश्वास है। आप लोगों का सहयोग बहुत शानदार मिल रहा है तो डेफिनेटली हो जाएगा ये। और वैल्यूएशन के आधार पर चूंकि ये हमारा नेटिव टोकन होगा तो इट विल वर्क लाइक ए आवर शेयर वैल्यू। तो जितनी बढ़िया कंपनी की वैल्यूएशन होगी उतना ही मार्केट को में मजबूती से इसको मिलेगी और उसकी कीमत अच्छे बेहतर मिलेगी, तो आप सभी लोगों को बेहतर कमाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लीज, नेक्स्ट। हम एक्सचेंज लेकर आए, सब कुछ लेकर आए हैं, तो हमने सोचा है कि हम क्रिप्टो वॉलेट भी लेकर आएंगे। जैसे ट्रोन के पास वॉलेट है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है मेटामास्क के, वैसा हम वॉलेट लेकर आएंगे। हमारे वॉलेट में थोड़ी सी सिस्टम थोड़ा इजी रखेंगे, जैसे अभी हम लोग एक्सचेंज का डिस्प्ले दे रहे थे तो थिंग्स जो चीजों को आसान बनाया गया था आपके लिए, वैसे हम वहां भी इसको आपके लिए आसान बनाएंगे। और जो फीस होगी वॉलेट में, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन इन द सेंस जो हम स्वैपिंग करते हैं, तो स्वैपिंग की में कोशिश करेंगे कि हम जितनी हो सके फीस को कम कर सके, फीस कम करने का हम प्रोविजन करेंगे इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अर्था फिनटेक एक्सचेंज। जो एक्सचेंज हमारा होगा एक स्मार्ट एक्सचेंज होगा, अल्ट्रा मॉडर्न एक्सचेंज होगा। अभी आप लोगों ने डिस्प्ले उसका, उसकी वर्किंग देखी थी, अब आप सामने सामने आया होगा हमारे एक्सचेंज का लोगो। ये लोगो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। 15 अगस्त हम लोगों ने डिसाइड किया था डेट, AFX को लॉन्च का डेट रखा था 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त को के बजाय ये थोड़ा सा 15-20 दिन और डिले होगा, बिकॉज इसकी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग हमको करनी थी, वी वेर अनेबल टू मार्केट दैट पार्ट। सो अभी उसकी हम पूरी तरह से मार्केटिंग करेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग बाकी है और गिवे देना बाकी है। रेफरल लिंक विद इन 10 डेज आपके पास सामने अवेलेबल होगा, और जब आप
लिंक के थ्रू आप साइन अप करेंगे, आप अपनी अकाउंट बनाएंगे, आईडी बनाएंगे, आप अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे। केवाईसी वेरिफिकेशन करते ही आपको एक हमारे गवर्नेंस टोकन का एक अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। लिंक आप किसी को शेयर करेंगे, वो बंदा जैसे ही, बंदा या बंदी जैसे ही वो अपना अकाउंट क्लियर करेगा, बनाएगा, केवाईसी क्लियर करेगा, उसको भी 100 कॉइंस अवेलेबल हो जाएंगे और उसका 10% आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक लेवल की एफिलिएट फ्री आपको इसमें मार्केटिंग में आपको यहाँ भी मिलेगी। और आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि सब लोग एक्सचेंज की शेयरिंग बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। जो भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, बाइनांस पे करते हो, बिटपॉइंट पे करते हो, कहीं भी करते हो, तो आपको फीस यहाँ ज्यादा नहीं पड़ेगी, सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, बेटर मिलेगा, फीस भी लगभग वही मिलेगी, वैसे ही मिलेगी। इसलिए इसका जरा ध्यान रखेंगे, आप सभी मेंबर ध्यान रखेंगे। हमारे एक्सचेंज पे बोर्ड भी होगा, रोबोटिक ट्रेडिंग भी होगी। जो लोग बोर्ड के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो बोर्ड के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे। तो बोर्ड एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में जरूर है, बट ये एक्चुअली हमारे लिए एक्सचेंज का ही पार्ट है, एक्सचेंज में ही हम में ही रहेगा। और आप बोर्ड को भी फीस देंगे, हमारे सिस्टम को भी फीस देंगे, यहां से भी कुछ पैसे आएंगे, एक्सचेंज से भी अर्निंग आएगी, अल्टीमेटली हमारी अर्निंग सिस्टम को हेल्दी बनाने के काम आएगी। बोर्ड भी जरूरी है, बहुत से लोग बोर्ड चाहते हैं इसलिए बोर्ड लाना पड़ा, उसके लिए जो भी एक्सपेंस हुआ है वो सब इन कोर्स ऑफ टाइम रिकवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज मेटावर्स। मेटावर्स में अभी हमारे पास इमीडिएटली कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में हमारा इसका भी टाई अप होगा वर्ल्ड मार्केट में किसी बड़े प्लेयर से, किसी बढ़िया प्लेयर से, उसके कुछ चीजें लेके आऊंगा कि हम लोग आएंगे, उसकी भी मार्केटिंग करेंगे, वो सेल करेंगे, आप लोगों को भी सेल करने का मौका मिलेगा, आपकी सेलिंग के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, हमारी कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा और हमारा सिस्टम एक बार फिर मेटावर्स की वजह से भी कुछ हेल्दी होगा। मेटावर्स एक्चुअली कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेवल है, क्रिप्टो से डायरेक्ट लेना देना उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे यूजेज हैं, दूसरी चीजें हैं। वो मे बी आने वाले टाइम पे हमारा जूम सेशन मीटिंग मेटावर्स के थ्रू हो और भी एडवांस हो, आसानी से होगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी उसके बारे में कुछ खास किया नहीं गया है, लेकिन करेंगे, जरूर करेंगे। इसके बाद एक सेक्शन है, दैट इज विच इज वट इज कॉल्ड ई कॉमर्स सेक्शन। हमारे ई कॉमर्स सेक्शन में हम एक मार्केट, ऑनलाइन मार्केट लेकर के आएंगे। ऑनलाइन मार्केट का नाम है अर्था फिनटेक स्मार्ट बाजार, उसके शॉर्ट फॉर्म AF स्मार्ट बाजार। अविरल कैन यू प्लीज डिस्प्ले द अविरल AF लोगो, AF स्मार्ट बाजार लोगो। फॉर श्योर सर। AF स्मार्ट बाजार में हमारे पास तीन सेक्शन होगा। ब्रॉड सेक्शन में एक बसो जो सबसे बड़ा सेक्शन होगा, उसमें बड़ी बड़ी चीजें होंगी, टेलीविजन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हाउस होल्ड की घर की जरूरी जो चीजें होती हैं वो चीजें अवेलेबल होंगी। 500 से ज्यादा ब्रांड्स होंगे, 7 सेक्शन होगा, वहां आप जाकर के ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे। हम इसमें दो ऑप्शन देंगे, आपके डोर डिलीवरी का ऑप्शन भी देंगे, आपके टाउन के में नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास से भी आप उठा सकेंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाकर खुद डिलीवरी लेंगे तो आप एश्योर रहेंगे कि आपको प्रॉपर टॉप क्वालिटी के सामान मिले हुए, कहीं मिला हुआ जेन्युइन वर्क प्रोडक्ट ही मिला हुआ है। सेकेंड सेक्शन में वो थोड़ा छोटा होगा, उसमें 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, जूते, कपड़े, बेल्ट, लेदर गुड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स और बहुत सारी चीजें होंगी, हेल्थ केयर की कुछ चीजें भी होंगी, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी होंगे, फूड सप्लीमेंट्स भी होगा, ऐसी चीजें भी होंगी। अविरल सम ऑफ द कैमराज आर ऑन प्लीज, वाई दिस कैमराज आर ऑन, अजय कुमार का कैमरा ऑन है, देखो जरा बंद करो इसको, अमित तो मोहंती का, अरविंद सिंह का कैमरा ऑन है, ये कैमरे सबके कैमरे ऑफ करो भाई, वॉइस डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके सर ऑफ, वॉइस सिस्टम प्लीज स्विच ऑफ ऑल द कैमरे। तो थर्ड जो सेक्शन होगा, थर्ड सेक्शन यूटिलिटी सेक्शन कहलाता है। यूटिलिटी सेक्शन में आप कूपन्स परचेज करेंगे, आपको कूपन्स मिलेगा और वो उस कूपन से आप हमारे मार्केट में आकर के मार्केटिंग कर सकेंगे या किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल पे कर पाएंगे आप, वेदर इट इज DTH बिल, वेदर इट इज पोस्टपेड फोन बिल, प्रीपेड फोन बिल और प्रीपेड रिचार्ज, या आप जोमेटो, इसके अलावा जो पिज्जा हट, इन सब में जाके आप परचेज कर सकेंगे, सामान परचेज कर सकेंगे, ट्रेन के, प्लेन के टिकट, बस के टिकट बुक कर पाएंगे। जब हमारा टोकन लाइव हो जाएगा जनवरी में, वो दैट टोकन विल बी अवेलेबल ऑन दिस साइट, उस टोकन के साथ भी ऑप्शन होगा, आप टोकन सबमिट करके
हमारा कूपन बाय करेंगे और उस कूपन से परचेज कर पाएंगे। कूपन में नेशनल कूपन भी होंगे, इंटरनेशनल कूपन भी होंगे। नेशनल कूपन जो होंगे इंडिया में यूज करने के लिए इमीडिएट आपको अवेलेबल होंगे, जो इंटरनेशनल कूपन हैं वो 48 आवर्स में अवेलेबल होते हैं और वो आप भी आपको सब कहीं पर भी काम करेंगे। टोकन से टोकन का यूजेज जो हमको करना था, सबसे पहले शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, हमारे मार्केट में हमारे टोकन का यूज होगा। कुछ भी टोकन से डायरेक्टली भी परचेस कर पाएंगे आप, कूपन परचेस करके भी कर पाएंगे आप। ये सुविधा हमने देने के लिए सोचा है, तो इसलिए हमारा बाजार डेफिनेटली स्मार्ट बाजार ही होगा। ये हमारे स्मार्ट बाजार का डेफिनेशन है। इसके बाद आता है हॉस्पिटलिटी बिजनेस। वेन एवर वी गो आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया, जब भी हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो इंडियंस को फूड की एक प्रॉब्लम होती है, फूड सर्विस की। हमारे चॉइस का खाना नहीं मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग खुद गए थे, सिंगापुर गए थे, वहां प्रॉब्लम आई, दुबई गए प्रॉब्लम आई। सो हम लोगों ने इसीलिए दिमाग में आइडिया भी आया था कि हम इंडियन रेस्टोरेंट खोलेंगे और रेस्टोरेंट में सेक्शन होगा, वेज सेक्शन, नॉन वेज सेक्शन। वेजिटेरियन सेक्शन का नॉन वेज सेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप एक क्वालिटी फूड, प्योर इंडियन फूड आपको इन डेस्टिनेशन, कुछ सर्टेन डेस्टिनेशन में मिलेगा, लाइक दुबई, बाली, पटाया, फुकेट। उसके बाद हम दिल्ली में भी खोलेंगे एयरपोर्ट के सराउंड के, हम खोलना चाहेंगे रेस्टोरेंट और होटल। हम कुछ होटल भी लेंगे और उन होटल्स में और इन रेस्टोरेंट में हमारे मेंबर्स को एक फैसिलिटी एडिशनल होगी कि AFT टोकन से भी आप वो सारी फैसिलिटी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हमारे टोकन का दूसरा यूज हमारे सिस्टम में ये भी रहेगा। बाद में इसमें कुछ और भी सर्विसेस हम ऐड करेंगे जो टाइम हमें अलाउ करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज क्रिप्टो लर्निंग। हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, हमारा मिशन है कि लोगों को, पब्लिक को क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन देना, क्रिप्टो करेंसी के, उसके यूजेस के, उसके फ्रॉड के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स। इससे आपको एक मजबूती मिलेगी, आप लोगों को पता चलेगा और आप लोग, आप सभी लोग फ्यूचर में होने वाले धोखाधड़ी से उससे आप लोग बच जाएंगे आप। तो ये क्रिप्टो सेक्शन में, लर्निंग सेक्शन में हमारे पास ये आपके पास रहेगा। कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, ऑफलाइन जो कोर्स होंगे वो पेड कोर्स होंगे, ऑनलाइन कोर्स फ्री रहेंगे मेंबर्स के लिए। इसके बाद एक प्रोडक्ट और हमारे पास आता है, अर्था फिनटेक ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। जब ये सारी चीजें हम ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, तो ये ब्लॉकचेन पे अभी हम फीस जो देंगे, बायनांस के ब्लॉकचेन को फीस देंगे हम, बायनांस स्मार्ट चेन को फीस देंगे। तो हम लोगों ने इसलिए सोचा कि जब सब कुछ कर रहे हैं तो अपनी ब्लॉकचेन भी लेकर के आ जाए। तो ब्लॉकचेन का ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है एक हफ्ते पहले। ब्लॉकचेन का लोगो भी डिसाइड हो गया, ये लोगो फाइनल लोगो है नहीं है, थोड़ा सा जब ब्लॉकचेन की बैकग्राउंड में इसके कुछ ब्लॉकचेन की सिंबल आ जाएगी और राइटिंग वर्क जो है AF लिखने का स्टाइल यही रहेगा, सेम यही रहेगा। तो बाय फेब्रुवरी मार्च 2024 हमारा ब्लॉकचेन अवेलेबल होगा, पब्लिक के लिए लाइव होगा। जब लाइव होगा तो हमारा सारा डाटाबेस शिफ्ट हो जाएगा हमारे अपने ब्लॉकचेन पे और वो पब्लिक के लिए भी ओपन होगा। कोई दूसरे लोग जब प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो हमें हमें रेवेन्यू देंगे और हमारे सिस्टम में उससे भी रेवेन्यू आएगी। तो ये रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए ब्लॉकचेन लिया गया है। ब्लॉकचेन से बहुत तरह के रेवेन्यू आते हैं, बहुत तरह के वर्क होते हैं, तो हमारे सिस्टम को एक मजबूती यहाँ से भी आएगी। तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में हमारे पास बताने के लिए इतना ही कुछ था। अब इसके बाद अगर हम डिटेल में जाते हैं कि हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या है, वो पोर्शन बाकी है बताने के लिए, वो मैं इसके बाद बताना चाहूंगा। मैं PPT प्लीज, नेक्स्ट पेज PPT। आपको क्या क्या मिलती है, आप हमारे पास आते हैं, मेंबर बनते हैं, तो व्हाट यू आर गेटिंग। आप आते हैं सिस्टम में, मेंबर बनते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको डेली रिवॉर्ड मिलता है, आपको अर्निंग मिलती है डेली की। और उसके बाद जब आप किसी को सिस्टम में लेके आते हैं, उसका जब पैसा सिस्टम में आता है, परचेज पैक होता है, तो आपको रेफरल बेनिफिट मिलती है 5% की वन टाइम। जैसे बंदे ने पैक बाय किया, 5% आपके साथ सीधे आपके ओके वॉलेट में आ जाता है। ये 5% एडिशनल नहीं होता है, आपको जो 5, आपका जो 3x मिलना है उसका ही पार्ट होता है। जो 3x, टोटल 3x ही मिलेगा आपको, चाहे जितने रूपों में मिले। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आपकी स्पीडी हो जाती है, अर्निंग स्पीडी हो जाती है, बढ़ जाती है, जल्दी से पूरी हो जाती है। आपके हमारे सिस्टम में कैपिंग है $50 की, $50 के,
वो इस रेफरल वैल्यू की वजह से आपकी मोर देन 50 पैसा जल्दी होता है, आप विड्रॉ करने के आपको आवश्यकता होती है तो विड्रॉ करने की कैपेसिटी आपकी हो जाती है सिर्फ सिर्फ। मेंबरशिप रिवॉर्ड 0.5% डेली एज यू नो, 0.3% ऑन 50 USDT, 0.5% ऑन अदर्स ऑल अदर पैकेजेस। रैंक रिवॉर्ड, इसके बाद लेवल रिवॉर्ड, आप जब किसी को सिस्टम में लाते हो वो आपका फर्स्ट लेवल होता है, उसके नीचे जब कोई आता है वो सेकंड लेवल होता है, इस तरह से लेवल्स क्रिएट करते जाते हैं। हमारा जो प्लान है वो लेवल प्लान है, मैट्रिक्स प्लान नहीं है कि चार को आपने, पांच का प्लान है, चार का प्लान है, चार को जोड़ा, पांचवा जोड़ा आपने, वो किसी और के नीचे चला गया आपके टीम में, ऐसा नहीं होगा। आप जिसको डायरेक्ट अपने रेफर से जोड़ेंगे वो आपका फर्स्ट लेवल होगा, उसके उसके लिंक से जो दूसरे जुड़ेंगे वो आपका सेकंड लेवल होंगे, तो इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा। तो लेवल इनकम भी दी गई है, वो आने वाले पेज पे आपको बताएंगे, वहां से भी आपको इनकम आती है और हैंडसम इनकम आती है, वो आपकी अर्निंग को स्पीड बढ़ा देती है। जो लोग बेहतर काम करेंगे उनको एक रैंक देने का सिस्टम भी किया गया है, रैंक और रैंक के साथ रिवॉर्ड भी है, गिफ्ट से रिवॉर्ड से, वो भी आगे पेजेस पे डिस्कस करेंगे। सरप्राइज कॉम्पिटिशन रिवॉर्ड है, हर एक कंपनी में होता है, हमारे पास भी है। एक सर्टेन पीरियड के लिए कॉम्पिटिशन देते हैं, देंगे और उसमें हैंडसम अवार्ड देंगे, वो आपको मिलेगा। पीछे हमारे पास रिवॉर्ड था, सरप्राइज रिवॉर्ड था, थाईलैंड टूर था, वो दैट इज एक्सपायर्ड नाउ। 1 महीने का टाइम दिया गया था, 1 महीने में कुछ सर्टेन टास्क दिए गए थे, जो लोग उसको पूरा कर, जिन लोगों ने पूरा किया उनको थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। एक दूसरा टास्क था हमारा एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का, वो भी टास्क दिया गया था, जो लोग 10 लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा देंगे उनको टाटा हैरियर गाड़ी दी जाएगी, उसको भी एक दो लोगों ने अचीव किया है, वो 1 साल के बाद मिलेगा, ये भी बताया गया था। आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा किसको मिला, किसको गाड़ी किसको मिल रही है, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट आइटम है, आपको सबको जो मेंबर्स है फ्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में, बहुत सी बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम आपको मौका जरूर देंगे, आप लोग प्लीज इसको एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट पेज प्लीज। अविरल, जस्ट अ मोमेंट सर, नेटवर्क इश्यूज। नेक्स्ट पेज। या हियर इज अ पैकेज, मेंबरशिप पैकेजेस 50 USDT, 100 USDT, 200, 500, 1000, 2000, 5000 एंड 10000। अभी जो हमारे पास पैकेज है इतने ही पैकेज है, 10,000 USDT से बड़ा पैकेज अभी नहीं है, 50 USDT से छोटा पैकेज नहीं है। जो कोई भी सिस्टम में आएगा, एनी बडी, 50 USDT से अगर कोई आता तो उसको 0.5% का रिवॉर्ड मिलेगा पर डे। उसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स जो भी है, जो भी सर 50 USDT पे 0.3% रिवॉर्ड डेली एंड फर्दर ऑन 0.5% 100 से लेकर के रिवॉर्ड 10,000 डेली तक एवरीबॉडी विल गेट 0.5% डेली, 0.5% डेली। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, अगर आप 30 दिनों के अंदर 5 लोगों को सिस्टम में लेकर के आ जाते हैं सेम पैकेज से, जिस पैकेज से आपने अपना पैकेज बाय किया या उससे हायर पैकेज से, तो आपकी मेंबरशिप जो है सुपर मेंबरशिप में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बदले में आपका जो रिवॉर्ड है वो डबल हो जाता है। 0.3% अगर किसी का रिवॉर्ड है तो वो बन जाता है 6%, 0.6%। रेस्ट जो 0.5% के रिवॉर्ड्स हैं वो बन जाते हैं 1%। लेकिन कंडीशन है कि दैट इज यू, इट हैज टू बी विद इन 30 डेज। आपने जो अपना पैकेज बाई किया जिस टाइम पर, डेट पर, टाइम पे, उससे 30 डेज तक ही कंप्यूटर काउंट करेगा, उसके बाद 1 दिन भी ज्यादा होगा तो वो काउंट नहीं करेगा और देगा नहीं। ठीक है, तो ये आपकी मेंबरशिप, सुपर मेंबरशिप होने के बेनिफिट ये होती है कि आपका जो रिवॉर्ड है वो हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है। 20 मंथ्स कम्स बैक डाउन टू 10 मंथ्स, और 10 मंथ्स के बाद जो बाकी के लेवल रिवॉर्ड्स उसके वजह से होता है वो और जल्दी पूरे हो जाते हैं, ये इसकी ब्यूटी है। और नेक्स्ट पेज प्लीज। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको लेवल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो लेवल रिवॉर्ड्स का ये चार्ट हमारा आपके सामने है। आपको फर्स्ट लेवल्स के जो आपके आपके नीचे जो भी लोग हैं उनको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस रिवॉर्ड का 15% आपका होगा, सेकेंड लेवल से 10% होगा, थर्ड लेवल से 8% होगा, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 15 लेवल आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जितने लेवल का रिवॉर्ड चाहिए उतने नंबर ऑफ डायरेक्ट मेंबर्स आपके पास होने जरूरी है, होने चाहिए। अगर आपको 5 लेवल का रिवॉर्ड 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 चाहिए
तो पांच मेंबर डायरेक्ट आपके नीचे होना, ऐसा नहीं होगा कि कोई आपने किसी को जोड़ा और वो बेचारा मेहनत करके टीम नीचे, उसकी पूंछ लंबी हो रही है, उसके बेनिफिट आपको मिले तो नहीं मिलेगी। लेवल वर्किंग में आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद आती है रैंक रिवॉर्ड, रैंक एंड रैंक रिवॉर्ड। जो लोग मेहनत करते हैं टीम में, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा बड़ी टीम खड़ी करते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने भी कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ रैंक्स दिए रखे हैं। फर्स्ट रैंक इज कॉल्ड एम्बेसडर। आप सिस्टम में आते हैं, पांच लोगों को लेकर के आते हैं और टोटल बिजनेस आपका 10,000 USDT होता है, तो आपको कंपनी अपना एम्बेसडर रैंक देती है और आपको एक गिफ्ट देती है। आप कंपनी के एम्बेसडर बनते हैं, गिफ्ट मिलता है, आपको खुशी होती है, आप और बेहतर काम करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात करते हैं, आप 6 डायरेक्ट कर देते हैं, 10,000 का बढ़ करके आपका टीम बिजनेस आपका 25,000 USDT हो गया, 25,000 USDT, यू गेट अनदर वन अनदर गिफ्ट, ए बेटर गिफ्ट, एक दूसरा गिफ्ट भी आपके लिए आ जाता है। ये गिफ्ट हम फंक्शंस में अवार्ड करेंगे, आपके रिवॉर्ड मिलते ही आपको इमिडिएटली कुछ नहीं मिलेगा, जब भी फंक्शन होगा जो भी अचीवर्स होंगे उन सबको मिलेगा। इसके बाद एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है नेक्स्ट रैंक से, रूबी रैंक से। आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट्स अगर 8 हो जाते हैं और 25,000 का बिजनेस आप कर चुके हैं, 25,000 बिजनेस आप और कर देते हैं, टोटल बिजनेस 50,000 USDT का हो जाता है, तो आपको जो आपको रैंक में जो कमीशन मिल रहा होता है फर्स्ट रैंक से, जैसे फर्स्ट लेवल से जो कमीशन मिल रहा होता है 15%, वो बढ़ के हो जाएगा 16%। सेकेंड लेवल से जो कमीशन 10 है वो बढ़ के 11% हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग आपको मिल रहा कितना बड़ा अवार्ड आपको मिल जा रहा है, इस तरह से अवार्ड आपके उसके रैंक ओके बढ़ते चली जाती है एंड यू गेट हैंडसम। आपकी अर्निंग काफी तेज हो जाती है, स्पीडी हो जाती है। इमरल्ड हो गए तो आपका 2% एक्स्ट्रा होगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये 12% तक मिलेगा। डायरेक्टर लेवल अचीव करेंगे तो आपको 12 लेवल तक 12% एक्स्ट्रा तक मिलेगा। 12 मतलब 15+12, 10+12, 8+12, इस तरह से हर रैंक में आपको बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये रैंक लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस होगी, यूं ही नहीं मिल जाएगा। रैंक के कैलकुलेशन में हम आपके एक लेग में मैक्सिमम 40% बिजनेस ही काउंट करेंगे। वो इसलिए जरूरी है कि अगर कोई आपके बदले कोई आपके नीचे कोई बंदा काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, टीम बड़ी कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ आप उस तो आपको बेनिफिट ना मिला। एक लेग से मैक्सिमम 40% काउंट होगा, दूसरे लेग से मैक्सिमम 40% काउंट होगा, तो थर्ड लेग से मिनिमम 20% भी हो गया बिजनेस तो आपका 100% अचीव होगा। अगर ये 30-30, 30-10 होता तो भी हो जाएगा। भाई ये रखने का मतलब ये था कि आप पूरी टीम पर ध्यान दें, अपनी टीम पे कम से कम 3 लेग तो कम आप चलाएं, 3-4 लेग्स का आप ध्यान दें, 3-4 लोगों के नीचे बिजनेस बढ़ाएं, तो फिर ये रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो ये रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आती है हमारे पास कुछ टर्म्स कंडीशन की कंडीशन। टर्म्स कंडीशन में ज्यादा कुछ नहीं है, जो बातें पहले आपको बताई गई है वही है। आप एक बार सिस्टम में आते हो, आप एक पैकेज बाय करते हो, आपके पास पैसे कहीं से और आ गए, आपने पैसा अरेंज कर लिया, इमीडिएट आप दूसरा पैकेज बाय करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो अपने आप को, आप कभी भी कर सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने 50 का USDT का पैकेज बाय किया, आप 10,000 का बाय करना चाहते हो, 5,000 का, 100 का, 200 का, कोई भी आप इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाकी सुपर मेंबरशिप करने की जो कंडीशन हमने बताई वो कंडीशन है। थर्ड कंडीशन इज रैंक रिवॉर्ड कंडीशन, और ऐसा कुछ कोई एक कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन टू द कंडीशंस, मार्केट की कंडीशन, गवर्नमेंट की कंडीशन, रेगुलेशंस की कंडीशन में हम कभी कंडीशंस में शर्तों में बदलाव कर सकते हैं, कभी जरूरी होगी तो किया जाएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है किसी तरह के जाने की। ये इतना सा ही हमारे पास ये प्रेजेंटेशन था बताने के लिए कंपनी के बारे में। आई होप कि बातें आप लोगों को पसंद हुई होंगी। लास्ट पेज इज जस्ट थैंक यू टू ऑल। मुझे जो लोग नए आए हुए हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनमें अगर किसी को कोई कहीं हिचक हो, कोई डाउट हो या कोई बात पूछनी चाहते हैं इस कंपनी से, हमारी कंपनी से रिलेटेड, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, हमारे जो कोर्सेज डिसाइड किए जा रहे बन रहे हैं ये उनके पेजेस हैं। प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अविरल यस सर, जिसका हैंड रेज होगा उनका वीडियो ऑन कर देना। ओके सर, हैंड रेज प्लीज, किसी को कुछ पूछता हो
एक दो लोग पहले हैंड रेज कर रहे थे, यू कैन हैंड रेज नाउ, आप लोग अभी हैंड रेज कर सकते हैं, बातें पूछ सकते हैं। कुलदीप कुमार प्लीज अनम्यूट। कुलदीप कुलदीप कुमार जी का कैमरा कैमरा मैं ऑफ कर दो। यस थैंक यू, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? सब लोग बढ़िया है सर। एक क्वेश्चन है मेरा, पूछिए पूछिए बॉस। आपने आपने जो प्लान के अकॉर्डिंग ये दिया है कि जितनी बड़ी टीम होती चली जाएगी उतना ही एक्स्ट्रा इनकम होती चली जाएगी जी, तो सर ये कंपनी के हित में होता नहीं है? मैंने कई कंपनियों में काम करा है, टीम बड़ी हो रही है, उसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो ही रही है पहले से ही, आप उसे और ज्यादा दे रहे हो। लेकिन हम टोटल तो वही दे रहे हैं ना, 3x जितना हमने वादा किया वही दे रहे हैं ना, उसके एक्स्ट्रा थोड़े दे रहे हैं हम आपको। नहीं, हम तो 3x एक्स्ट्रा के भी लिमिट दे रहे, में दे मैं रहे बात हैं, मान रहा हूँ आपकी। मैंने पीडी दे बहुत रहे हैं बस। कंपनियों में काम किया है, लेकिन उसमें यही होता है, एंड में आ गए जो नीचे वाले लोग है ना, उसका प्रिंसिपल भी नहीं निकल पाता, वो बहुत ऊपर कंपनियों वाले में बहुत इसलिए ज्यादा ले होता है, जाते हैं। सुनिए सुनिए, बहुत सी कंपनियों में वो इसलिए नहीं होता है कि मोस्टली जी मनी जी रोटेशन होता है, मनी जनरेशन का पार्ट नहीं होता है। हमारे पास मनी जनरेशन का पार्ट पहले आया, उसके बाद हमने लोगों से पैसे लिए, डिफरेंस वहां है, उस डिफरेंस पर आप नहीं समझे। ये मैंने बात सबसे पहले आपको फोकस किया था कि हमारे पास एक बड़ी सी एक अच्छी सी ट्रेडिंग यूनिट है, हमने अपने पैसे से अपनी मेहनत से ट्रेडिंग यूनिट खड़ी कर रखी है, और 3 तरह की ट्रेडिंग हम करके पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारे पास एक 100% डेडिकेटेड टीम है, पूरी तरह डेडिकेटेड टीम है, और उसमें बाहर के लोग नहीं है, प्योर फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो दिन रात कंपनी के लिए काम करते हैं, न्यूज इकट्ठा करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, कोई ग्राफ एनालाइज करता है, कोई कुछ एनालाइज करता है। जिस समय ट्रेड लग रहा होता है उस समय भी 4 निगाहें, 4 लोगों के दिमाग लगे होते हैं कि इस समय दुनिया में कहीं कोई उथल पुथल तो नहीं हो रही न्यूज एजेंसी पे, ठीक है? तो पहले हम पैसा जी जनरेट करते हैं, और आज जो कुछ हम जनरेट कर रहे हैं अभी, अच्छा हमने वादा भी किया था आज कुछ दिखाने के लिए। अविरल प्लीज डिस्प्ले सम फ्यू पेजेस यार, वो इनकम का पेजेस दिखाओ जरा, बाइनेंस स्टडी का, बाइनेंस फ्यूचर का पेजेस दिखाओ। देखिएगा, 10,000 USDT, कुलदीप जी, जी सर, 10,000 USDT के ट्रेड में 4,000 USDT की अर्निंग हम करते हैं 40-45 सेकंड में, मैक्सिमम 3 मिनट में, ठीक है? तो ठीक है सर, आप सोच लो 40% एक ट्रेड में हो गया, और उस तरह से एक साथ 2-3 सौदे लगे होते हैं, ठीक है? 9,000 10,000 ये करते, तेरह हजार मैं के बताना यूएसडीटी के चाहूंगा, अंदर करते। ये जो ट्रेड है सर, ये केवल 42 सेकंड का ट्रेड था जिसमें 9,300 USDT की अर्निंग हुई थी, 9,300 USDT का प्रॉफिट बुक किया गया था। ये वो ट्रेड लाइव चल रहा है अभी सामने, लाइव उसकी रिकॉर्डिंग है, एंड जो PNL है वो इसके बाद में डिस्प्ले करता हूँ। तो आप 6200 बता दीजिएगा। बोलिएगा काटने के लिए, काटो। नहीं जी सर, हेलो। ओ, साथ में ट्रेड चल रहा है, वहीं वो उसकी भी आवाज आ रही है, डोंट वरी, अच्छा ये आप देख लीजिए। अविरल उनके दो सर, अपने वहां वहां के जो माइक है, उनके जितेंद्र जी का माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, कैमरा माइक म्यूट कर दो, उनकी आवाज आ रही है। अच्छा, इसके बाद वो डिस्प्ले करो जिसमें फिगर दिखाया गया है, ये वीडियो छोड़ दो सर और दूसरे पेजेस दिखाओ। वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया गया था सर, की माइक से आवाज नहीं आ रही है, जो वीडियो चल रही है उसमें सामने उसमें से आवाज आ रही है जी, से आवाज आ रही है क्या? मेरे को लगा आवाज आ रही है, काट क्योंकि दे, उसे लाइव कोई रिकॉर्ड बात किया गया था तो उस नहीं। रिकॉर्डिंग में वॉइस भी आया है। ओके नो प्रॉब्लम, चले छोड़ दो इसको, वो डिस्प्ले करो जिसमें 4,000 5,000 6,000 के फिगर दिखाया गया, वो पेजेस डिस्प्ले करो। ये सर PNL का डिस्प्ले करता हूँ। हाँ पीएनएल डिस्प्ले करो, लोग दिखाते हैं परसेंटेज वाला फोटो दिखाते हैं जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम आपको वो पेजेस दिखा रहे हैं जहाँ एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट और टाइमिंग सब दिख रही है। नाउ सी, आप अपने स्क्रीन पर इसको जूम करके देख लो, ये लॉन्ग का ट्रेड है या शॉर्ट का ट्रेड है, वो पोजीशन लिखा होगा जो भी है वो दिखेगा, लॉन्ग का ट्रेड है शॉर्ट का ट्रेड है वो दिखेगा। देखिए, इसमें लॉन्ग है या शॉर्ट है वो मेंशन है, PNL में जो प्रॉफिट बुक है वो मेंशन है, एंट्री प्राइस मेंशन है, एग्जिट प्राइस मेंशन है, इन डिटेल, ठीक है? ट्रेड ये का आपको कोई टाइम और दिखाने वाला नहीं टेबल है, मेंशन है। हाँ ये सर, आपको ये कोई दिखाने शॉर्ट वाला है, नहीं हाँ ये ये शॉर्ट का है, शॉर्ट टाइम का लॉन्ग है के, शॉर्ट जी। के भी, हाँ शॉर्ट के सौदे ज्यादा हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के सौदे हमारे पास हैं, दोनों के हैं, आपको सर्च करके वो आना आदमी है। ट्रेडर कहला ही नहीं सकता जो एक नहीं डायरेक्शन में ट्रेड करता हो।
नहीं सर, ये तो ठीक है, इसकी तो चलो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी को एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, ये कमीशन ही काट कर रखना चाहिए जो इमरजेंसी में काम आए। आप रखा हुआ है आपकी बात सही है और कंपनी उससे विशेषकर ध्यान देती है। अविरल अविरल डोंट वरी अविरल स्टेप टेक केयर। आपको जो हमने सिस्टम में 50 USDT का जो लिमिट लगा रखी है, इसीलिए लगा रखी है कि छोटे पैसे हमारे पास बैकअप में पड़े रहे, ठीक है। ये 50 50 डॉलर जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के 50 50 डॉलर सबके पड़े रहेंगे, वो पैसा बहुत होता है। और हमारा अपने पैसे भी हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे भी हमारे पास है, तो अल्टीमेटली हम उसका केयर करते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जी अगर सर, 1 लाख डॉलर 1 लाख डॉलर अगर हमारे स्टॉक में है, तो 10 हजार डॉलर से बेसिक का पैसा मार्केट में कंज्यूम एक बार में नहीं लगता। अगर कंडीशंस एडवर्स हो गई, तो उसको बैकअप देने के लिए 3 दिन 4 दिन भी अगर होल्ड करना पड़ा, तो उसकी कैपेसिटी हमारे पास रहती है, उसको लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सो के उठे और सीधे ट्रेड लगा दिए, बाद में मुंह धोने जा रहे हैं, जी ट्रेड पहले लगा दिए, पता चला सुहा हो गया सब कुछ, वो कंडीशन पैदा नहीं होती है। और आगे अर्निंग बनी रहे, इसलिए एक्सचेंज लेकर के आए। 2017 में बाइनांस पैदा हुआ, रिलायंस और टाटा कब से है, टाटा घराने, आपको आप अंदाज लगा लीजिए, आज रिलायंस की और टाटा की कंबाइंड कैपेसिटी से बड़ा है बाइनांस। तो एक्सचेंज जो जी सर, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम एक्सचेंज लेकर के आ रहे हैं। हम मार्केट प्लेस इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि वहां से अर्निंग हो, हम टीचिंग करेंगे वहां से भी, ट्यूशन फीस भी लेंगे हम, वहां से भी अर्निंग आएगी। जी वो सारे स्टेप्स क्यों उठाए, हम रेस्टोरेंट्स क्यों खोलने जा रहे हैं भाई, धर्म खाता थोड़ी है, धर्म जी सर, खाता नहीं चलाएंगे वहां, पैसे लेंगे आपसे, इनकम भी लेंगे, वो लेंगे और कमाने के लिए खोलेंगे, वो कमाई भी हमारे पास रहेगी, वो भी आपके काम आएगी। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपने ये सवाल पूछा, ये बड़ा बढ़िया लगा, ये सवाल अगर सर ये हर आदमी सवाल ना, पूछे, देखो ये सवाल सभी के लिए है, और ये जो है आने वाले टाइम में सभी के लिए यूज होगा, अगर ऐसा होता है तो किसी के भी नहीं सर, साथ। सवाल आपका तो अच्छा है और आपने बहुत सही प्लेटफॉर्म पे पूछा भी है, और हम आपको अश्योर करते हैं कि बैकअप रख के ही हम चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के ट्रेड जो होते हैं क्रिप्टो में, आप लोग यदि जानते हो, मैक्सिमम लोग जानते भी हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट मूव होता है, बैकअप के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। और आपको जो ही नहीं। डिफरेंट एंगल से, जब डिफरेंट पॉइंट से, बूंद बूंद से भरता सागर कहा जाता है ना, इसलिए हमने बहुत सारे प्लांट बनाए। कुछ प्लान हमारे पास और भी हैं, आने वाले टाइम में कुछ और प्रोजेक्ट सामने आएंगे, बिजनेस और भी सामने आएगा, उसके बारे में हम समय तब बात करेंगे। अभी पहले जो हाथ में लिया गया है वो चालू कर लें, उसके बाद नया प्रोजेक्ट आपको लेंगे, आप भी देखकर खुश हो जाओगे। और लोग अगर ये दिमाग में, जैसे आप यहाँ डिस्कस हो रहा है ये बात, तब आप दूसरों से भी डिस्कस करोगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर जी कट पता सर, चल जाएगा कि वहां पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप धोखाधड़ी से बच जी जाओगे। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट में रिजवान अली प्लीज, थैंक यू आप सर। अपना माइक म्यूट कर दे। कुलदीप जी धन्यवाद, माइक म्यूट कर दे। मिस्टर रिजवान अली साहब रिजवान जी वेलकम। बोलिए, रिजवान जी बोलिए। है कि ये जो फ्यूचर ट्रेड होता है तो क्या ये जरूरी है सर कि हमेशा ही हो, कभी माइनस नहीं? हाँ, उसके आपकी लिए वॉइस तो ब्रेक हो रही है सर, जी फिर से। नहीं, अविरल अविरल डॉट, मत बोलो बीच में, मत बोलो। आप ये सवाल और भी जानदार है रिजवान जी, सौदे माइनस में भी जाते हैं। अभी जो डिस्कशन हो रहा था ना कि बैकअप लेके चलने वाली बात, जब बैकअप लेके चलेंगे आप, तो माइनस होगा भी, तो जी आप समझ जाएंगे, झेल जाएंगे उसको। हमने कहा ना कि 3 दिन 4 दिन भी झेलना पड़ेगा, तो हम झेल लेते हैं, तो वो इसीलिए होता है। कभी चीजें एडवर्स हो सकती हैं, और हर ट्रेड, हर एक सौदा स्टॉप लॉस के होता है। अगर चीजें एडवर्स हो गई तो लॉस होगा, लॉस हमारा नेग्लिजिबल होगा, मिनिमम होगा, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, और मिनिमम हम सेफ रहते हैं। तो हम मार्केट में हर हाल में सेफ रहने के लिए चलते हैं, मतलब अचानक ही नहीं कूद पड़ते हैं, और बिना एनालिसिस के, जब सारी चीजें हमारे फेवर में होती हैं, सारी एनालिसिस, तब सौदे लगते हैं, बिना उसके सौदे नहीं लगते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आपकी बात मैंने, समझ में, मेरे कहने का ऐसा तात्पर्य यही था कि जी। सुरक्षित रहें, हम लॉस ना करें, तो उस सुरक्षा की ध्यान का ध्यान रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। 100% उसका ध्यान रख के किया जाता है। और मार्केट तो रिस्क प्लेस ही है, एनी वे रिस्क है, वो रिस्क को कवर कम करने के लिए दूसरी चीजें लाई गई है। एक्सचेंज हम अपना इसीलिए ला रहे हैं, हम वॉलेट इसीलिए ला रहे हैं, हम ऑनलाइन मार्केट इसीलिए ला रहे हैं, मतलब था रेस्टोरेंट इसीलिए ला रहे हैं, कि ठीक है। और कोई भाई बंधु, थैंक यू रिजवान अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना माइक म्यूट कर दीजिए। एनीबडी एल्स? डॉक्टर तो अविनाश? डॉक्टर अविनाश सर, अपना माइक हेलो अनम्यूट कर सर, लीजिए।
हेलो सर, सर गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग। सर। अच्छी बात है सर कि मतलब कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान हो और उसके बाद सर ये होना बहुत अच्छी बात है सर। और मैंने सर थैंक यू रिसेंटली कॉपी ट्रेडिंग का सर एक दो प्लेटफॉर्म में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया था, उसमें सर उनका अच्छा रिटर्न्स भी होता था। अल्टीमेटली मैटर करता है सर कि हमारे ट्रेडर कितने अच्छे हैं। नहीं सर, तो ट्रेडर अच्छे होते हैं तो ग्रेजुअल स्मॉल प्रॉफिट्स भी होता है, रेगुलर प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होते हैं, तो सर नेट में प्रॉफिट होता है। तो वो अगर बेसिस है सर हमारे जो इनकम जनरेशन का तो बहुत अच्छी बात है। एंड सर मेरा बस एक डाउट था, जैसे कि सर ताकि हमारा भी सर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जी सर इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके भी ज्यादा कर सकते। तो एक था सर कि जैसे आपने एक ट्रेड दिखाया सर अभी जो 5,000 डॉलर्स एंड 4,000 डॉलर्स का जो प्रॉफिट था, अच्छी बात है सर। कभी प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी आता है, लेकिन अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है ये जानने के लिए सर, कंसिस्टेंसी जानने के लिए आप सर उस मंथ का, 1 मंथ का या 2 मंथ का नेट P&L दिखा सकते हैं क्या? जैसे कि एक ट्रेड आपने दिखाया कि 3,000 5,000 4,000 प्रॉफिट था, लेकिन जी वो 30 जून का था, लेकिन अभी हाँ सर 29 डेज हो गया है जुलाई का, बीच में जी कितना भी सर जैसे कि 1 हफ्ते में नेट प्रॉफिट इतना हुआ या 1 महीने में लास्ट मंथ का नेट P&L, बीच में लॉस भी हो रहा होगा लेकिन नेट में हमारा जैसे कि प्रॉफिट ही दिख रहा है, तो ऐसे सर हम कुछ ऐसा देख सकते हैं क्या? है, ऐसा ऐसा हम आपको बता सकते, दिखा सब कुछ तो नहीं दिखा सकते। और आपको अभी हमने बोला कि वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं और हमारे पास बैकअप जबरदस्त रहता है, तो लॉस के चांसेस हमारे पहले मिनिमाइज हो जाते हैं। वो लॉस ना हो उसको मिनिमाइज करके चले, एक दो ट्रेड में लॉस जरूर होता है, लेकिन जो लॉस होता है वो नेग्लिजिबल लॉस होता है। स्टॉप लॉस हिट कर गया, अगर हम 10,000 रुपया कमाने के लिए आए हैं तो 2,000 3,000 4,000 5,000 लॉस देने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए और हिम्मत भी होनी चाहिए। उतना तो दिल पर पत्थर रख के लड़ते ही हैं यार। तो हाँ सर जो सैनिक जो जाता है ना लड़ाई करने के लिए मैदानी जंग में, जी वो दूसरे को गोली मारने के लिए तो खुद गोली खाने के लिए भी तैयार रहता है। जो बिल्कुल सर। गोली खाने को तैयार नहीं रहेगा वो लड़ाई कर ही नहीं पाएगा। तो वो हाँ उसकी उसकी लेकिन तैयारी, उसकी सर तैयारी अपने पास है। ओवरऑल, बिल्कुल इस ओवरऑल की बात अगर हम आप पीएनएल की बात कर रहे हो, तो नोट डाउन ऑन योर हार्ट, आप अपने दिल पे लिख लो, 25 to 27% पर मंथ वी आर अर्निंग, बढ़िया है सर। 25 to 27% राइट नाउ वी आर अर्निंग। और अविनाश जी एक बात और समझ लीजिए, एक सिंपल कैलकुलेशन, 1 लाख रुपया लगा करके जो ट्रेडिंग करेगा वो कम पैसा ट्रेड करेगा, 10 लाख लगा के जो करेगा बेटर करेगा, 1 करोड़ वाला की कैपेसिटी और बेटर होगी। वो हमारी कंडीशन भी वही है जब हम स्टार्ट किए थे। अरविंद तो हाँ, एक मिनट, हम लोग 10-12% कमाते थे, वो जी बढ़ के 15-16 हुआ, 17-18 हुआ, 21 हुआ, अभी आज पोजीशन आती है। 1 करोड़ के ट्रेड में 1 करोड़ रुपए का जब फंड बैकअप होता है तो उसमें आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसी होती है, तो उसके लिए आप वो हम चिंता कर रहे हैं, अगर वो होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। वो करने की कोई कोशिश जरूरत भी नहीं हमें, वी आर वेरी सेफ। आपको इसके बारे में एक बेटर इंफॉर्मेशन किसी टाइम हम और देंगे, बता देंगे। हाँ, अविरल, नाउ वी कैन टेल। सर मैं इस पे और क्लैरिटी देने के लिए बताना चाहूंगा कि फंड साइज इतना यूज करते हैं, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे फंड के 6 to 8% मैक्सिमम एलोकेशन यूज करते हैं अपने ट्रेड पे। जो हमारा फंड साइज है उसका केवल 6 to 8%, रिमेनिंग 94 to 96% जो बचता है वो बैकअप फंड रहता है, क्योंकि फ्यूचर्स में लेवरेज भी यूज होता है, बहुत रिस्क भी होता है, सारे ट्रेड्स हमारे कैलकुलेटेड होते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हम डेली ट्रेड्स लें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीक में भी एक दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं तो हमारे पास पूरे मंथ का भी जनरेशन हो जाता है, हाँ सर तो बहुत ही कैलकुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हवा में चीज चल रहा हो और हम बड़े से फंड को यूज करके ट्रेड ले लें, क्योंकि क्रिप्टो में जो मूवमेंट होता है बहुत वायलेंट होता है, बड़े जी फंड को यूज करके अगर हम ट्रेड कर देंगे और डायरेक्शन एडवर्स हो गया, हमारा जस्ट अपोजिट हो गया हमारे कन्विक्शन में, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में सप्लाई डिमांड दोनों चीजें चलती हैं और मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट है, कहता जरूर है कि आके ले लो, जी लेकिन उसके साथ जो डबल स्टार में टर्म्स एंड कंडीशन में जैसे लिखा जाता है ना, वो उसमें लिखा रहता है छोटा सा, हिम्मत हो जी जी तो बिल्कुल सर, इसीलिए कैलकुलेटेड ट्रेड्स होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि दिन में 50 ट्रेड लेने हो या डेली ट्रेड्स लेने हो, बैकअप बिल्कुल सर, लेके हमेशा, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ 4 to 6 8% तक का एलोकेशन होता है टोटल फंड साइज का ट्रेड लेने में, बाकी रेस्ट हमारा जो होता है वो एज बैकअप होता है, ताकि कभी सर थोड़ा मोटा हमें वेट भी जैसे करना पड़े तो निकल जाए। नो ट्रेड्स, एक चीज और बताता हूँ, नो ट्रेड्स इन आवर सिस्टम फॉर जनरेशन गिविंग द रिटर्न्स एज अ प्रॉफिट टू एवरी फैमिली मेंबर एंड क्लाइंट ऑफ आवर्स। कोई भी ट्रेड हमारा 2 डे से प्लस नहीं चलता है एंड वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो हिट कर गया तो वो मार्केट के लिए गुरु दक्षिणा है।
वेट नहीं करना हमको उसके बाद. उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खुद को काम डाउन करते हैं, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं करते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फिर उसको ग्रैब करते हैं, देन फिर चलिए. थैंक सही है सर. स्टॉप लॉस हिट होते हुए भी सर यू. नेट में अगर जैसे सर बोले 20,000 20% 25% अगर रह रहा है तो बढ़िया बढ़िया है सर. मंथ एक मंथ के लिए तो बहुत ज्यादा हाँ, सर होता होता तो रहता है, कभी उतना कभी नहीं ज्यादा ही वो है, लेकिन हाइपोथेटिकल वैल्यूज अगर बोली जाएंगी तो वो कभी कभी मृग तृष्णा वाला भी काम कर सकता है. और ये मार्केट ऐसा है कि ये देने को बहुत दे सकता है, छीनने को सड़क पे भी ला सकता है. हाँ तो हम बिल्कुल कभी कभी इसलिए सर बड़ा मैं भी जनरेट करते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कभी कंसिस्टेंसी कभी पूरे मंथ का जनरेट हो जाता है, तो वो चीज हम शो करेंगे तो वो चीज गलत इमेज भी देता है, क्योंकि हर कोई उस चीज को पचा भी नहीं सकता है. तो वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव एज अ कंपनी. का जी इसलिए सर मैं बस जो कंसिस्टेंसी का सर जानकारी के लिए पूछ रहा था सर कि एक मंथ का या 2 मंथ का भी सर मौका मिलेगा तो हम सबको सर डिस्प्ले करेंगे बहुत नहीं नहीं सर, जल्द. आपका सवाल बहुत नहीं अच्छा है, और सर ये प्लेटफॉर्म आपने बहुत अच्छा चुना है ऐसा सवाल रखने के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है लेकिन वो हिचकिचाते हैं ऐसा सवाल करने के लिए. डॉक्टर अविनाश, अविनाश जी अभी जी तो सर आज आपको एग्जैक्ट फिगर बता दिया, 4 to 8% ही एलोकेट करते हैं हम ट्रेड के लिए. बाकी यस अभी पीछे भी मीटिंग्स में हमने रफली बोला था 1 लाख रुपए अगर हमारे पास फंड में, तो हम 10,000 रुपए से बेसिक का ट्रेड नहीं लेते हैं. मैंने थोड़ा ज्यादा बोला था, 10,000 बोला था, लेकिन प्रैक्टिकली आज आपको रियल फिगर आपके सामने आ गया. नॉट मोर देन 8%, 8,000 से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेते हैं. तो नेवर मोर उसका देन एट उससे होने परसेंट एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज ऑलवेज फॉलोड. नो नो रिवेंज ट्रेडिंग. जिस दिन हमको लगा कि मार्केट हमारे एडवर्स है, सिस्टम क्लोज, और भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हमारी कंपनी कर रही है, हम उसमें खुद को ले जाते हैं और उन चीजों पे वर्क करना शुरू कर देते हैं. जी सर वेरी नाइस टू नो सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू डॉक्टर वी अविनाश, थैंक आर यू फॉर गिविंग. रादर वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने चेष्टा की ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रखने के लिए, क्योंकि सही में ये क्वेश्चन लोग के मन में आता है लेकिन वो पुट नहीं कर पाते. तो आप बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद, मैं शुक्रिया करता हूँ आपको इस सवाल के लिए. दोनों थैंक यू दोनों तीनों लोगों ने जो सवाल पूछे लाजवाब थे, एंड इट लुक्स कि आप हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, ट्रेड को ट्रेड करना जानते हैं, और उनका भी इंटरेस्ट है. आने आने वाले टाइम में बहुत मजा आएगा, एकदम कंफर्म है. ओके, थैंक यू एवरीवन. मुझे लगता है और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है. थैंक यू आप ऑल फॉर बीइंग विद अस, और सर. भरोसा रखें, आप सर विमलेश मणि भरोसा नहीं सर को टूटेगा. प्लीज इनवाइट कीजिएगा क्योंकि विमलेश सर अगर जाए तो सर से बात होनी चाहिए, बिमलेश जी है क्या? सर से भी बिमलेश 2 वर्ड्स हो जाए अगर. सर त्रिपाठी जी सर है क्या? बिमलेश जी देखो उनको, बिमलेश सर आज कुछ बोलिए सर, कुछ पूछिए सर. हाँ है तो बिमलेश जी, प्लीज अनम्यूट करो उनको भाई. सर ने हैंड भी रेस किया हुआ है. विमलेश हाँ अनम्यूट करो, बोलो. सर प्लीज माइक अपना म्यूट. वेलकम सर. हाँ थैंक यू अफजल जी. हेलो. जी सर जी हाँ सर. बोलिए, आवाज आ रही है सर? यस सर आवाज आ आवाज रही है? जी सर प्रॉपर आ हाँ रही है सर, सर. हाँ बोले. सबसे पहले तो मैं अर्था फिनटेक में जितने लोग भी आ जाए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और अपनी पूरी टीम के साथ जो नए लोग भी आज हमारी टीम में आए हैं उनका वेलकम करता हूं, और डॉक्टर साहब का मोस्ट वेलकम करता हूं. डॉक्टर साहब हमारी टीम से हैं और उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन आज पुट अप किया जो कि लगभग लोगों के दिमाग में चलते हैं. आज का जो मार्केट क्या सिनेरियो है उसमें लगभग लोगों के दिमाग में चलते हैं, तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं सबको कि हमारी कोर कमेटी और जितने भी लोग हैं हम लोग रूट में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कितनी शिद्दत के साथ लोग आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, अच्छा से अच्छा वर्क करेंगे और अच्छी से अच्छी चीजें आपको देंगे. आपको इस बारे में कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है. आज हमने एक हमारे डाउनलाइन में है उनसे मैंने क्वेश्चन एक पुटअप किया है कि भाई आपको आज जूम में आना है, तो उन्होंने कहा सर हमारी पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे. रुद्रा जी बस्ती से हैं तो वाह, अगर 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 वो हो तो प्लीज उनको अनम्यूट किया जाए. अरे जी सर वाह क्या बिल्कुल बात बिल्कुल है, सर मैं बुलाता हूँ. बड़े हमारे लिए गर्व की बात है बिमलेश जी. बहुत अच्छा लगा जी ये जो आप सर. सुन कर रहे हो. कहाँ है रुद्रा जी? है तो बोले तुमको बताया जाए. है क्या रुद्रा जी फ्रॉम बस्ती? नहीं दिख रहा लगता, सर ऐसे बोला तो लिस्ट में शो नहीं कर रहे हैं, किसी और नाम से हो तो प्लीज बताएं. हेलो. रोहित राज. हाँ है सर, हेलो विकास सिंह के नाम से है क्या? हेलो बताइए सर. हाँ बोलिए बोलिए सर, रो बोलिए विकास सिंह जी. जी, बोलिए. नमस्कार. अर्था फिनटेक के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार. नमस्कार.
मेरा एक ही कहना है कि जो भी सदस्य है और जो भी लोग हैं, तन मन धन से जो काम मिला है वो करें, और अर्थात फिनटेक जो देने वाला है वो कोई चीज देने वाला नहीं है। मेरा यही आग्रह है कि जो भी मेरे सदस्य मेरे घर जो भी जुड़े हुए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और ये चीज कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसी के बारे में बोलने वाला था कि जो भी चीज में हम लोग को मिला है सीखने के लिए, इसको देख के और तन मन धन से काम किया जाए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिनंदन सर जी। जी जी मनी से। हाँ, उड़ीसा से हमारे पास वो चारू सैमुअल जी जुड़े हुई हैं, उनको जरा अनम्यूट करके जी 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 और उनसे दो शब्द सुनो। चारू मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर इन आवर मीटिंग। एक्चुअली इट इज आवर प्लेजर टू इन्वॉल्व विद यू ऑल बिकॉज ऑफ बिमलेश सर जो इनवाइटेड मी एंड से ऑलरेडी सेड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग अवर अर्था फिनटेक ऐप आई मीन प्रोजेक्ट। एंड अभी भी मैंने जो डिटेल्स भी सुना है सब कुछ बहुत बढ़िया है। एंड डॉक्टर अविनाश भी मेरा माई ब्रदर रियली फ्रॉम ओडिशा, एंड वी आर रेडी टू इन्वॉल्व विद दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ अगर सही तरीके से हम लोग को सर्विस दे सके तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आने के लिए रेडी है। सर तो ये जो हमारा जो आपका जो भी प्रपोजल प्रोजेक्ट है यही बरकरार रहना चाहिए आगे जाकर, एंड जो हम वादा किए हैं सभी के साथ अगर ये वादा को निभा कर जाएंगे बहुत सारे कम्युनिटी हमारे साथ अभी मौजूद है आने के लिए, तो ओनली हम उन लोग के साथ ये अवेयरनेस हमारा पहुंचाना है। ये हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा सर्विस एंड ये कंटिन्यूटी होगा। इस दिस इज माई विशेष जो हमारा अर्थ फिनटेक ऐसे रहना चाहिए, जो बोलते हैं हर बार जो हम बोलते हैं वो उसको करके दिखाना चाहिए। एंड जो मेरा ये विशेष रहेगा जो कोर बॉडी मेंबर बिमलेश जी सर एंड अदर्स सभी का नाम में अच्छा तरह से नहीं जान पाए अभी तक, फिर भी सभी लोग का जिम्मेदारी बहुत बनता है ये चीज को कंटिन्यूड बरकरार रखने के लिए। सर इतना मेरा विशेष सर। ऑल थिंग्स विल गो इफ यू वांट सर। अभिनंदन सर। बिमलेश सर पहले आप इससे पहले कि कुछ बोले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी सर। सर विड्रॉल के लेकर लोगों को कैसा एक्सपीरियंस है इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। हाँ जो बताया, लेकिन उससे पहले मैं चारू जी को मैं एक सब कुछ बोलना चाहूंगा। चारू जी थैंक्स, सो मेनी थैंक्स फॉर यू एंड फॉर योर करेज ऑल्सो। अगर आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इफ यू वांट द प्रेजेंटेशन इंग्लिश, वी हैव इंग्लिश प्रेजेंटेशन सेक्शन ऑल्सो, वी हैव एन इंग्लिश रिकॉर्डिंग ऑल्सो, वी विल सेंड यू। एंड इफ यू वॉन्ट टू कंडक्ट एन एडवांस मीटिंग विथ योर पीपल टू योर लेवल, वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो। And we are, I'm very much thankful that people like you are supporting us, but we have got a patron like you, Ms. Dr. Avinash, and you, and lots of thanks to you. And be sure, on behalf of Artha Fintech Management, I assure you that we will keep our commitment. We will cut our throats. Even if our throats are cut, our commitment will be kept. No sir. Other word for that. No issue, sir. All things are my hope, our hope also. All things will be go in the right track. So, sir, ठीक है, we are all with you, sir. Thank you. No false. We will not make any false commitment. We will not give you some false dreams also, like other companies. No impractical dreams. Only practical dreams. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Dimlesh sir, please मुझे बताएं कि आपसे पूछा। Sir, उसके लिए जरा विपिन सर को अनम्यूट किया जाए। विपिन ओझा from Gorakhpur. विपिन सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक। मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। विपिन ओझा सर गुड इवनिंग जी। विपिन जी वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना विड्रॉल का अनुभव आप हमसे जरा शेयर करिए सर, कैसा लगा आपको विड्रॉल? विड्रॉल का अनुभव तो बहुत ही मतलब क्या बताया जाए, इतना शानदार। तो हम जैसे हम लोग पहले से भी अगर कुछ है एक्सपीरियंस तो जी सर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी सर, क्योंकि मैं पहली बार विड्रॉल किया $100 का, तो हमारे
मित्र उधर जी आपकी आवाज कट रही है। अभी विड्रॉल यहाँ कंप्लीट उधर जी की आवाज कट रही है। उधर जी यहाँ तो आवाज मिल रही है आपकी, आपकी आवाज कट के आ रही है बहुत दिमाग हेलो फोन से दूर हो जा रहा चेहरा अब मुंह आपका। अब बोलिए, एकदम करीब है। हेलो अब बोलिए बोलिए। जी सर हेलो आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ऑनलाइन और मड़ी जी द्वारा बन गया, तो हमने जैसे विड्रॉल यहाँ कंप्लीट किया और जी तूने जाते वहाँ पे फाइनेंस पे वो आ चुका, मतलब मुश्किल से 1 मिनट से 1.5 मिनट लगा, और डिपॉजिट भी मतलब किया गया होने आपने में कभी एक डायरेक्ट डेढ़ ऑनलाइन मिनट दो डिपॉजिट? मिनट के अंदर। थैंक यू। जी वो इसके लिए मैंने डिपॉजिट में भी वही कंडीशन है, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों को इजी बनाने के लिए। और खर्चा कितना लगा आपने ये नहीं हाँ बताया, $100 विड्रॉ करने में? वन वन डॉलर $1 इतना 99 कम वहां खर्चे में, मिला इतने इतने कम खर्चे में, इतने खर्चे हाँ, में कोई इतना भी कम सिस्टम खर्चे में और इतना फास्ट नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, नहीं देता अभी। बहुत ठीक, फास्ट में उसके कंप्लीट किए, बैलेंस चेक किए, वहां पे आ गया था। जी उसके लिए बहुत मेहनत बहुत करनी ही पड़ी है, जी। उस सिस्टम को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी है थोड़ी, कुछ लोगों से बेइज्जती भी झेलनी पड़ी है। लोग कुछ लोग सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा, बट हमने वो करके दिखाया, हमारा वादा था कि हम वो करेंगे तो हमने वो पूरा किया। तो चारों मैम, दिस इज आवर इसलिए कमिटमेंट, आप दिस इज द लेवल ऑफ, दिस इज द लेवल ऑफ आवर वर्किंग। बट वी एश्योर्ड द पीपुल वी विल गिव यू इन $1, वी आर गिविंग इट इन $1। दिस इज द लेवल ऑफ जी आवर कमिटमेंट, जी दिस इज द सर, लेवल ऑफ आवर कमिटमेंट। यस यस, वो ग्रेट रियली, आवर प्रोजेक्ट इज ग्रेट, यस, थैंक यू भाई। थैंक यू। सर इसमें जितेंद्र सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर चीज को खुद से अकेले देखना, उस चीज को स्टडी करना, और जब तक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ किसी फाइनल डिसीजन पे ना पहुंचा तब तक उस चीज पे काम ही नहीं शुरू करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग से लेकर के विड्रॉवल को ऑटोमेशन होने तक, विड्रॉवल को ऑटोमेशन होना, जैसे आप विड्रॉवल के लिए पंच करते हैं, विद इन आज के दिन भी विड्रॉवल किए थे कुछ लोगों ने, विद इन सेकेंड्स विड्रॉवल आए थे उनके वॉलेट्स में। तो जो आप ऑर्डर्स पंच करते हैं विड्रॉवल के, उसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि वो मैन्युअली कतई नहीं होता है, इस पे बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ जितेंद्र सर ने वर्क किया है, फुल्ली ऑटोमेटेड विड्रॉवल्स हैं यहाँ पे। आप जैसे विड्रॉवल का ऑर्डर पंच करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम उस पे वर्क करता है और आपको विड्रॉवल पंच करता है। अविरल मैम कुछ इसीलिए बोलना चाहूंगा। आपको अविरल विड्रॉवल पाने में अपने वॉलेट में कोई टाइम लैग नहीं होता। अविरल मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ, अभी किसी किसी को जी कभी सर, कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट 15-20 डेज जब हमारे पास अपने पास बड़ा सर्वर होगा, एक्सचेंज का सर्वर जब फंक्शन में आएगा, ये सारा डाटा एक्सचेंज के सर्वर में शिफ्ट हो जाएगा, उस समय ये स्पीड और बढ़ जाएगी और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगे। टाइम डिले जो होता है, सर आपने सरप्राइज नेटवर्क डिले, अनाउंसमेंट रिवील कर दिया, वो सरप्राइज हाँ अनाउंसमेंट हम सर्वर, लोग करते ये बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंसमेंट है कि हैं, अच्छे आपने लोग आज ही रिवील सामने, कर अच्छे दिया लोग हैं, अच्छी बात पूछ रहे हैं, तो मैं अच्छा बता दे रहा हूँ कि वो आने वाले टाइम में स्पीड इसकी और तब क्या हो जाएगी, सोचिए। अभी तो वैसे ही जब बड़े सर्वर में जब आ जाएंगे, अब बड़े सर्वर की फीस जब देंगे, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, क्या हो, कैसे काम करेगा, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय एक साथ 1,000 लोग भी अगर विड्रॉल मारेंगे ना, 1,000 लोगों का विड्रॉल खटाक विद इन द सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक और कुछ बताने के लिए, कहने के लिए हमारे पास अभी आज के डेट में नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अवर प्लीज। अच्छा हुआ सर आपने केवल इतना ही सरप्राइज अनाउंसमेंट को डिस्क्लोज किया। आशा करता हूँ आज की मीटिंग में सबको मजा आया होगा, काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, और जितिन सर भी साथ में ही है बट वो ट्रेड्स में बिजी है इसीलिए हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट यस मीटिंग को सुन रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में भी हैं। तो आई होप अब किसी का सवाल आज के दिन में नहीं बचा है। धन्यवाद देना चाहूंगा बिमलेश सर को और चारू मैम को और जिन लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया हमें। क्या नाथू सर है यहाँ पे? नाथू सर तो सर भी थोड़ा बिजी है। अच्छा बिमलेश जी, ये कह रहा मैं, जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी बातें सुन रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है ठीक जी सर है, ओवर बिल्कुल टू, लेट अस फिनिश नाउ। ओके लेट अस स्टॉप इट नाउ, 9:10 हो गए हैं, अब ओके रोको। ओके, थैंक मीटिंग में वक्त देने के यू। लिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।